नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़। फेस्टिवल सीजन चल रहा है, त्योहारों का सीजन चल रहा है, दीपावली का आगमन है और इस आगमन पर बाज़ारों में रौनक लौट आई है और भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है और इस भीड़ को रोकने के लिए प्रशासन बड़ा सजग हो गया है, क्योंकि जाम की वस्तुतः स्थिति बनी रहती थी बाज़ारों में। तो प्रशासन ने कदम लिया है कि भी कोई भी चारों तरफ बाज़ारों में बैरिकेड लगा दिए गए हैं कि फोर व्हीलर की यानी कि एंट्री नहीं हो सकती, जिससे जाम लगता है। तो ऐसे में हम देखेंगे कि बाज़ारों के अंदर यहाँ पुलिस कांस्टेबल भी तैनात कर दिए गए हैं, बैरिकेड लगा दिए गए हैं, हर कोने पर बैरिकेड लगे हैं। यहाँ हम खड़े हैं बजरिया चौक, द हार्ट ऑफ द सिटी कहलाता है, और यहाँ पुलिस साहिबान खड़े हैं हमारे पास, कुछ पुलिसकर्मी हैं। तो जानेंगे कि किसके आदेश पे ये हुआ है, चारों तरफ बैरिकेड लगा रखे हैं, क्या क्या एंट्री बंद है। ये भारी वाहन और ये रिक्शा है जो भीड़ भड़ाका ना हो शहर में, इसलिए बंद कर रखे हैं। यानी कि इनका कहना है कि बहुत बड़े वाहन जो फोर व्हीलर होते हैं, बड़े ट्रालेज हैं, उनको बिल्कुल बैन किया हुआ है ताकि जाम ना लगे और जाम की स्थिति में भीड़ भी ना हो। जाने के भाई साहब से कमल कुमार जी। हाँ जी, हम किलाफदार चौकी से यहाँ लगाए गए हैं पैदल गश्त पे। हाँ जी, पैदल गश्त में हम बाज़ार के अंदर घूमते हैं, जहाँ जो साधन है उसको साइड खड़ा करवा देते हैं, छोटे जैसे मोटरसाइकिल हो गया, स्कूटी होगी, उनको साइड खड़ा करते हैं और देखते हैं भाई किसी का कोई सामान इधर उधर, कोई ऐसा बंदा ना घूम रहा हो जिससे भाई कोई किसी को नुकसान पहुंचा जाए या किसी का कोई सामान सुमन उठा लिया जाए। अच्छा। उसको हम देखभाल करते हैं और पूरे एरिया में ये जाम की पोजीशन बनी रहती थी, अब ये बैरिकेड लगा दिए हैं और बढ़िया एंट्री बंद कर दी है, उससे फायदा है। हाँ जी, उससे बहुत फ़ायदा है इनको, जो अपना सामान लेने आते हैं, ग्राहक आते हैं, उनको भी फायदा है, अपना आराम से आ जाओ हो जाती है। मेरे साथ पार्षद अजय सैनी जी और जो एच डी महिला कॉलेज रोड के प्रधान भी हैं, इनसे जानेंगे कि आप अक्सर भीड़ से भी बड़े परेशान रहते हैं, क्यों आपके मार्केट में भी भीड़ बहुत रहती है, प्रशासन ने ये कैसा कदम लिया है अजय जी। ऐसा बंसल जी, सबसे पहले तो मैं हाँसी प्रशासन का दिल की गहराइयों से बड़ा धन्यवाद करता हूँ, इतना बड़ा सराहनीय कदम जो प्रशासन ने उठाया है, इसके लिए मैं तय दिल से इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि दीपावली के अवसर पर हमारे इस बाज़ार के अंदर बड़ी भीड़ हुआ करती थी, क्योंकि मेन भीड़ का कारण था जो फोर व्हीकल वाले बड़े व्हीकल जो ट्रैवल व्हीकल आया करते, उससे बड़ा जाम लग जाया करता, उससे हर दुकानदार भी परेशान हुआ करता, क्योंकि दुकान के आगे बाइक नहीं रुक सका करती थी, दुकानदार को भी बड़ा नुकसान था और आम पब्लिक को बड़ा नुकसान था। तो अब ये जो प्रशासन ने कदम उठाया है, इसके लिए हमारे हाँसी पुलिस प्रशासन का, पुलिस जवानों का और हमारे आदरणीय एसडीएम साहब का दिल की गहराई से बड़ा धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद जी प्रशासन। अब बाजार में भीड़ नजर आ रही है? बाजार में भीड़ है लेकिन जाम नहीं है, जाम नहीं है, लोग बड़े अच्छे से अपनी खरीदारी कर रहे हैं, दुकानदार भाई भी इससे खुश हैं और आम पब्लिक भी बड़ी खुश है इससे। आप भी एसडी महिला कॉलेज रोड के प्रेसिडेंट हैं, तो आपको कैसा लग रहा है वहाँ? बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है सर, हमारे वहाँ आवाजाही है वहाँ, लेकिन वहाँ क्या है जी, मेन ज्यादा वो हो गया वहाँ, मतलब रोक लगा नहीं सकते वहाँ पे। हाँ, लेकिन उमरा गेट से आगे जो भी हमारा मेन बाजार है शहर का, वो बिल्कुल चारों तरफ से पुलिस प्रशासन ने बाहर से ही बिल्कुल उसको रोक रखा है साधनों को, और अंदर ही पुलिस बड़ी बड़ी मुस्तैदी के साथ बड़ी मतलब वो कर रही है, घूम रही है अंदर, ताकि कोई अप्रिय घटना ना घट जाए। बिल्कुल सही फरमाया है अजय जी ने, और हम भी प्रशासन की इस बात की तारीफ करते हैं कि दीपावली पे अक्सर लोग बाग खरीदारी करने के लिए, अभी धनतेरस भी आएगी, काफ़ी रश होगा, लेकिन बड़े व्हीकलों को एंट्री बैन कर दी है, जिससे जाम की पोजीशन कम से कम जाम की पोजीशन तो ना रहे, आवाजाही स्मूथ रहे। तो मैं मेरे रिपोर्टर रवि सैनी के साथ इसी तरह हाँसी की सभी खबरों से रूबरू करवाते रहेंगे। धन्यवाद, देखते रहिए हाँसी की आवाज़।